बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू मैथ डॉट क्लाउड एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को हम सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ फंक्शन दिया गया है जिसका हमने डेफिनेट इंटीग्रल मालूम करना है, 1/1 + sin x। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट i = इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 1/1 + sin x dx। जैसा कि हमें डेफिनेट इंटीग्रल में सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, तो बेहतर यह है कि हम पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। वी फर्स्ट सॉल्व इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो हम i1 से डिनोट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल को, 1/1 + sin x। यहां पे हम रैशनलाइज करेंगे फंक्शन को, 1/1 + sin x। रैशनलाइज के लिए हम 1 - sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे dx। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज हो जाएगा, a+b (a-b) = a²-b²। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - sin² x dx। अब 1 - sin² x हमारे पास इक्वल होता है cos² x के, 1 - sin x dx। अब आप इस स्टेप को अगर गौर से देखें और आप क्वेश्चन नंबर 26 के साथ ये जो हमें इंटीग्रल मिला है इसको कंपेयर करें, आप देखेंगे कि सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क है कि क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास sin x - 1 था, जबकि इस स्टेप में हमारे पास 1 - sin x है। तो आंसर बी और इसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगी वो भी सिमिलर होगी। तो आगे हम सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रल को। हम अलग अलग कर लेंगे 1/cos² x - sin x / cos² x dx। इंटीग्रल हम अलग अलग कर लेंगे। अब 1/cos² x dx माइनस, और यहां पे हम ये करेंगे cos² x को हम cos x / cos x लिख लेंगे dx = ये हमारे पास हो जाएगा sec² x dx माइनस, ये हो जाएगा tan x secant x dx। अब secant² x जो होता है वो tan x का डेरिवेटिव होता है, लिहाजा secant² x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो tan x होगा माइनस, इसी तरह secant x का जो डेरिवेटिव होता है वो tan x secant x होता है, लिहाजा tan x secant x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास secant x आएगा। तो i1 हमारे पास जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो एवेल्युएट हो गया। अब हम ये अपने ओरिजिनल इंटीग्रल में जब पुट करेंगे तो हमारे पास जस्ट साथ ही लिमिट आ जाएंगी, tan x - secant x लिमिट फ्रॉम 0 to π/4। अब हम पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, tan π/4 - secant π/4 माइनस साइन आएगा। अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, tan 0 - secant 0। tan π/4 हमारे पास 1 होता है, cos π/4 हमारे पास 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो secant आ जाएगा, तो वैल्यू भी हमारे पास √2 आ जाएगी, माइनस
tan 0, 0 minus secant 0, 1. 1 minus square root 2 plus 1 और हमारा जो आंसर आ जाएगा हमारे इंटीग्रल का वो आ जाएगा 2 minus square root 2 square unit. अब इस क्वेश्चन की अगर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा हमारे फंक्शन का. और यहां पे हमारे पास 5 होगा और यहां पे 1 होगा और हमने जो एरिया एक्चुअली फाइंड किया यहां पे 0 टू पाई बाय 4 तो वो ये आपको ब्लू शेडेड एरिया जो नजर आ रहा है अगर इसको मैं जरा बड़ा करके बनाऊं तो वो बेहतर समझ आएगा आपको. हमारा ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा इस केस में. ऐसे और हमने जो एरिया फाइंड किया है वो ये वाला रेड शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा होगा ये हमने इस केस में फाइंड किया है क्योंकि हमने 0 टू पाई बाय 4 फाइंड किया है ओरिजिन हमारे पास ये और 0 पाई बाय 4 हमारे पास जो होता है वो 0.8 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है. अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखें उस केस में हमारा जो ग्राफ बना था वो कुछ इस तरह बना था ऐसे. तो उसमें आंसर जो आया था वो हमारे पास था स्क्वायर रूट 2 माइनस 2. तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है. इस तरह की आपको एक एग्जांपल भी मिलेगी अगर आप एग्जांपल देखें. तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 27 समझ आ गया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें इसे शेयर करें और मेरे चैनल math.cloud को आप सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.